पटना में तेजस्वी यादव ने अपना सरकारी बंगला 5 देश रत्न मार्ग खाली कर दिया है। ये बंगला बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अलॉट हुआ है। तेजस्वी के बंगला खाली करते ही नया विवाद भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सरकारी बंगले से बहुत सारा सामान गायब है। आरोप यह है कि बंगले से पलंग, सोफा, बाथरूम, बाथटब, नल, बेसिन, ये सारी चीजें गायब है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तेजस्वी यादव को ये बंगला अलॉट किया गया था और अब ये बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अलॉट हुआ है। लेकिन बीजेपी ने बंगला खाली करने के बाद ये आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के बंगले से कई सारी चीजें गायब हैं। सोफा पलंग गायब है, इसके अलावा बाथटब, नल और वॉश बेसिन जैसी चीजें भी इस बंगले में मौजूद नहीं है। यह आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, क्या जानकारी मिल रही है? तेजस्वी यादव पर बीजेपी बड़ा आरोप लगा रही है, कह रही है कि सरकारी बंगले से तमाम चीजें गायब हैं। देखिए, ये 5 देश रत्न मार्ग है जो कि उप मुख्यमंत्री के नाम पर कर्णांकित है। तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री थे तब उन्हें यह आवंटित हुआ था, तब से वो रहते आए थे। हालांकि खाली करने का नोटिस जरूर दिया गया था, लेकिन इस बीच में 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने यह बंगला खाली किया गया और इस बंगले को राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है, जो विजयदशमी के दिन इसे यहाँ पर शिफ्ट होने वाले हैं। इस बीच सम्राट चौधरी और उनके लोग जब वहाँ पर नए सिरे से रंग रोगन कराने पहुंचे हैं तो उन्होंने ये आरोप लगाया है। खास करके दानिश इकबाल नाम के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि कई चीजें गायब हैं। जो महीने सोफे थे वो गायब हैं, कई एसी पुराने लगा दिए गए हैं, नए एसी वहां से गायब कर दिए गए हैं, नल की टोटी गायब है, कुछ जो बाथ टब है वो गायब है, फ्रिज तक वहां से गायब है, ये उनका आरोप है। लेकिन इसके पहले भी जब तेजस्वी यादव पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त भी ये बातें सामने आई थी। जब सुशील मोदी ने ये आरोप लगाया था कि कई ऐसी चीजें हैं जहां पर महंगी महंगी चीजें यहां पर लगाई गई हैं, और हालांकि तब ये कहा गया था कि तेजस्वी यादव ने अपने तरीके से अपनी सुविधा के लिए कुछ चीजें अपने फंड से वहां पे लगवाया है। तो जब भवन निर्माण विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है ये एक राजनीतिक आरोप हो सकता है। हालांकि कुछ चीजें वहां से जरूर जो निशान वहां पे शुक्रिया रूपेश आपका इस जानकारी के लिए।